अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। मैं हूं महनूर, नाम तो सुना ही होगा। करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ। कहते हैं ना, इंसान की जिंदगी उम्मीद पे कायम है। तो बस आप लोग क्या करते हैं सुबह सुबह उठ के? मैं सुबह सुबह उठ के क्या करती हूँ? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अंदर मेरी सांसें चल रही हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे एक और नया दिन देखने को मिला। हम सबको सपोर्ट के सबसे पहले अपने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ज़िंदगी बख्शी, हमें एक नया दिन देखने को मिला और हमें ये सारी नेमतें मिल रही हैं, वरना तो शायद हम किसी काबिल नहीं। अब मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह किसी की भी बग़ैर नाश्ते के या बग़ैर एक कप चाय के तो पूरी होती ही नहीं है। इसी तरह से मैं भी मेरी चाय बनाने आ गई हूँ। दिखाती हूँ आपको अपनी चाय। ये देखें, चाय बन रही है अभी मेरी और हम लोग मिलके चाय पियेंगे और इन्जॉय करेंगे अच्छी तरह से। ज़िंदगी में ना खुश रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मुश्किलें आती जाती रहती हैं इंसान की लाइफ में, लेकिन इंसान को अपनी ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, जो हार्डशिप हैं, उसे डरना नहीं चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुश रहना चाहिए और हर रोज़ एक अहद करना चाहिए कि यार मैं कुछ नया काम करूँगा, कुछ नया सीखूँगा, कुछ किसी और को सिखाऊँगा, कुछ खुद सीखूँगा। कभी गलतियों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, कभी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कुछ करते रहना चाहिए, मेरा अपना मानना है। तो लीजिए, मेरी हो गई है चाय तैयार और आप लोग बताइए क्या प्लान है आज का आप लोगों का? कहीं जाना है, क्या करना है, ये बताइए। नाश्ते का पता होता है ना, लंच का पता होता है, बच्चों की रूटीन ही पसंद है। मैंने कुकर में डाल दी है प्याज, थोड़ा सा तेल और मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँ। अच्छा, मुझे घी थोड़ा कम लगे तो थोड़ा उसको और इसमें घी डालूंगी ताकि जरा मजेदार किस्म का जो है वो भी पहुंच जाता है। और आप लोगों को क्या पसंद है, क्या खाने में क्या पसंद करती है ये बताओ। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़े से साबुत गरम मसाले डालूंगी, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, कुछ अगर लौंग एंड काली मिर्च। सुना है कि जो हमारा जो पेट है ना, इंसान के दिल का राज यहाँ से गुजरता है। इसलिए अगर किसी खातून को, किसी गर्लफ्रेंड को, अपने हस्बैंड का, किसी को अपने बॉयफ्रेंड का दिल जीतना है तो अच्छा लजीज खाना बना सकते हैं। मैं कहती हूँ दिल ही जीत ही रही है। अभी ये देखें, हमारी जो प्याज है वो अच्छे से भून रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी इसको मुझे अच्छा खासा और करना है। ये है टमाटर, प्याज, इसके अंदर मैंने लहसुन डाला है, प्याज में लहसुन डाला है, इसमें नमक डाला है, हल्दी, प्याज बना दी। और जब हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा, हम इसे गोश्त डालेंगे और गोश्त के साथ हम डालेंगे गोभी। मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि मेरा मसाला लगे ना। ये है मेरा गोश्त जो मैं छोटे का गोश्त यूज कर रही हूँ और ये है गोभी जो बहुत ज्यादा है, इसमें से थोड़ी यूज करनी चाहिए क्योंकि मुझे जरूरत है, वरना मैं बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए रखती हूँ। कुकिंग आपका शौक है, आपका पैशन है या जस्ट काम चलाऊंगा बस पक जाए और खा लो? क्या सोचते हैं आप कुकिंग के बारे में? दिल से करनी चाहिए वैसे कुकिंग, है ना? अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और हम इसमें अब गोश्त डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे जिसे कहते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको करने के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से हमारा गोश्त गल जाए और थोड़ा
लगाने के बाद मैं इसमें सब्जी भी डाल दूंगी ताकि फिर वो भी गले। दोनों को इक्वली टाइम दूंगी मैं कुकर में। गोभी बहुत अच्छे से गल चुकी है और बस अब इसको भूनना और हमारी गोभी तैयार है। अगले 5 मिनट में देखेंगे गोभी बिल्कुल रेडी हो जाएगी खाने के लिए। इसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं, किसी चावल के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। जब शाम हो जाती है ना तो मुझे ऐसे अपनी विंडो पे आना, फिर बाहर देखना लोगों की थोड़ी सी चहलकदमी करते हुए देखना, थोड़ा सा ये सड़क को देखना मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा एहसास होता है चलो यार आज़ादी का एहसास होता है, और तो कुछ नहीं करने के लिए शाम को थोड़ा सा विंडो में आ जाते हैं, बाहर देख लेते हैं, थोड़ा सा सड़क का नज़ारा देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं। जद्दा जरा रात को बहुत खूबसूरत लगता है, चले मैं आज आपको दिखाती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, दो मैं याद रखेंगे और फिर मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
बाय।